वेलकम टू आवर चैनल सिविल इनसाइड। तो जैसे कि हम कर रहे थे रेलवे इंजीनियरिंग, तो उसका हम आगे पार्ट करते हैं क्रीप ऑफ रेल्स। तो जैसे कि हमने पहले करा वेल्डिंग ऑफ रेल्स, रेल जॉइंट्स, कॉनिंग ऑफ व्हील्स, गेजेस, और एक इंट्रोडक्शन की वीडियो थी। तो उसके बाद हमारा आता है क्रीप ऑफ रेल्स। तो क्रीप क्या होता है, हम आज हम वो पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। क्रीप इज डिफाइंड एज द लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ रेल्स विद रिस्पेक्ट टू स्लीपर्स इन अ ट्रैक। मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ रेल, जैसे कि समझो ये एक रेल है, जैसे ये एक रेल थी डॉटेड लाइन, लेकिन जो मूवमेंट ऑफ रेल्स मतलब कि जब ऊपर जब हमारी कोई गाड़ी चलती तो उसकी वजह से ऐसे बकल सा हो जाता थोड़ा विद रिस्पेक्ट टू स्लीपर, मतलब स्लीपर भी इसमें इंटैक्ट होते हैं ना, तो स्लीपर्स भी थोड़े से हिल जाते हैं, तो उसे हम क्रीप कहते हैं। जैसे समझो एक रेल है, ये ऐसे रेल है, ठीक है, तो अब इस पर जा रही है ऐसे ट्रेन जा रही है, जैसे ट्रेन इस तरफ को मूव कर रही है, ठीक है। अब जब ये इधर हो जाएगी क्रीप, पता कैसे का हो जाएगा, या तो कुछ इस तरह का हो जाएगा, ऐसे को हो जाएगा। देखो उसने थ्रस्ट लगाया, ठीक है ना, अगर ये आगे को जा रही है तो थ्रस्ट पीछे को लगेगी हल्की सी, है ना, तो ऐसे बकल सा हो जाएगा, ऐसे बकल सा हो गया, और फिर ये नीचे को धस जाएगा और ये आगे से फिर थोड़ा सा ऊपर आएगा। अभी थोड़ी सी आगे चली जाएगी तो ये नीचे हो जाएगा, ये ऊपर, तो ऐसे हल्का सा बकलिंग सा आ जाता है, उसे हम कह देते हैं क्रीप, ठीक है ना, आपको समझ आ गया अच्छे से। तो क्रीप इज कॉमन टू ऑल रेलवे ट्रैक्स बट वेरीज इन कंसिडरेबली द रेल इन सम प्लेसेस। देखो मतलब कि क्रीप तो देखो आएगा ही आएगा, ये तो कॉमन है, लेकिन वेरी करता है कि कैसी रेल है और कहाँ पे रेल है, मतलब कहाँ कौन सी लोकेशन जहाँ पे टेम्परेचर वेरी करे कहीं नहीं, तो वो चीज़ होती है। तो मूव्स बाय स्वेलर सेंटीमीटर्स इन अ मंथ वाइल इन अदर लोकेशन द मूवमेंट ऑफ रेल्स मे बी नेग्लिजिबल। मतलब कि आपको पता भी चल सकता है कि एक महीने में कि यार इतना फर्क पड़ गया रेल पे, लेकिन कभी कभी पता कई लोकेशन पे पता ही नहीं चलता कि वो क्रीप हुआ भी है, नेग्लिजिबल होता है, जस्ट पूरा ही नेग्लिजिबल होता है। तो इट इज ऑब्जर्व दैट द रेल्स हैव टेंडेंसी टू मूव ग्रेजुअली इन द डायरेक्शन ऑफ डोमिनेंट ट्रैफिक। तो मतलब कि हमने ये ऑब्जर्व करा है कि जिस तरफ को ट्रेन हमारी मोस्टली जाती है तो उस तरफ कोई क्रीप हमारा बढ़ता जाता है। तो वो ये था हमारा क्रीप की इंट्रोडक्शन। तो अब आगे हम क्रीप करते हैं, बहुत फैक्टर्स हम इसमें करेंगे। देखो जैसे कि अब अगला टॉपिक आएगा हमारा इंडिकेशन ऑफ क्रीप। तो इंडिकेशन ऑफ क्रीप क्या, देखो अकरेंस ऑफ क्रीप कैन बी नोटिस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। फर्स्ट, क्लोजिंग ऑफ सक्सेसिव एक्सपेंशन स्पेसेस एट रेल जॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ क्रीप एंड ओपनिंग आउट ऑफ जॉइंट्स एट द पॉइंट फ्रॉम वेयर द क्रीप स्टार्ट्स। देखो जैसे कि इन्होंने कहा है कि जो इंडिकेशन मतलब कि क्रीप हमें कैसे दिख सकता है, तो देखो जॉइंट पे दिख सकता है, ये जॉइंट आप देख सकते हो, ये जॉइंट आगे को हो गया है ना, देखो इतना जॉइंट, ये देखो यहाँ से नट निकल चुका है ना, तो वही इसमें लिखा हुआ है। देखो ओपनिंग आउट ऑफ जॉइंट्स एट द पॉइंट फ्रॉम वेयर द क्रीप स्टार्ट्स, ठीक है ना, यहाँ पे भी लिखा होगा, देखो रेल स्लाइड्स मार्क्स ऑन फ्लेंजेस, तो ये सारा यहाँ से निकल गया, तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे क्रीप अकर हुआ है, कि जॉइंट यहाँ से मिसप्लेस हो गया, देखो आगे को हो गया ना, अब यहाँ से अगर ट्रेन जाएगी तो ट्रेन इनबैलेंस हो जाएगी। तो जो हमारा दूसरा पॉइंट है, मार्क्स ऑन फ्लेंजेस एंड वेब्स ऑफ रेल्स मेड बाय स्पाइक हेड्स बाय स्क्रैपिंग और स्क्रैचिंग एट द रेल साइड। तो देखो यहाँ से स्क्रैच भी देखो कितना हुआ हुआ है, ये चीज ये सारी स्क्रैच हुई है ना, तो इसे भी हम क्रीप ही कहते हैं। तो ये थे दो इंडिकेशन, ये मोस्टली यही इंडिकेशन होती है हमारी क्रीप की, जॉइंट से ही हिलता है, मोस्टली जॉइंट्स की तरह से ही होता है हमारा क्रीप। तो ये था हमारा इंडिकेशन ऑफ क्रीप। अब हम थोड़ी सी ना थ्योरीज पढ़ेंगे, पांच छह थ्योरीज है कि क्रीप क्या क्या कैसे कैसे अकर होता है, कौन सी थ्योरीज में अकर होता है। तो देखो वेरियस थ्योरीज आर प्रोपाउंड टू एक्सप्लेन द डिफरेंट कॉजेज ऑफ क्रीप बट नन ऑफ देम गिव्स द ट्रू पिक्चर ऑफ फॉर रियल कॉज। मतलब कि देखो ये बताते तो है ये थ्योरीज कि क्रीप कैसे अकर होता है, लेकिन ये कोई रियल कॉज नहीं है, मतलब कि हम ये इस पर वो नहीं कर सकते, रिलाई नहीं कर सकते। द वेरियस थ्योरीज प्रोपाउंड फॉर एक्सप्लेनिंग द प्रोबेबल कॉजेज ऑफ क्रीप इन रेल्स आर डिस्क्राइब्ड एज, देखो वेव एक्शन थ्योरी, परकशन थ्योरी, ड्रैग और ड्रैगिंग थ्योरी, स्टार्टिंग एक्सलरेटिंग स्लोइंग डाउन और स्टॉपिंग ऑफ ट्रेन, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेल्स ड्यू टू टेम्परेचर, अनबैलेंस ट्रैफिक। तो ये कुछ चीज़ें, ये थ्योरीज है जो हमारे क्रीप का थोड़ा सा कॉज वगैरह करती है। तो आगे बढ़ते हम, सबसे पहले हमारी वेव एक्शन या वेव थ्योरी। तो वेव मोशन इज सेट अप मूविंग लोड्स ऑफ व्हील्स, तो मतलब कि वेव मोशन इज सेट अप बाय मूविंग लोड्स ऑफ व्हील, पता ही है वेव मोशन कैसे आएगा अगर वो लोड कर रहा है, मूविंग लोड है। द वर्टिकल रिवर्स कर्व ए बी सी फॉर्म इन द रेल हेड ऑफ द व्हील रिजल्टिंग फ्रॉम द रेल डिफ्लेक्शन अंडर द लोड इज द चीफ कॉज ऑफ क्रीप। इन्होंने यही कहा है कि जो हमारा ये ऐसे ये हमारा बनता है रिवर्स कर्व, देखो ये रिवर्स कर्व बना ना ऐसे ए बी सी, तो वही हमारा क्रीप है यहाँ पे, ये जो ये सारा हुआ है ना लिफ्ट हुआ, देखो यहाँ से लिफ्ट हो गया, यहाँ से लिफ्ट हो गया, और वेव डेप्थ था ना, ये सारा कुछ हुआ है हमारा,
तो इसे हम क्रीप कह देते हैं और वही हमारी वेव एक्शन और वेव थ्योरी है, ये वाला क्रीप। द वीज पुश द वेव विद अ टेंडेंसी टू फोर्स द रेल इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक, ये आप समझ गए, विद अ टेंडेंसी टू फोर्स द रेल इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक, रेल्स को जिस डायरेक्शन में हमारा ट्रैफिक है उस डायरेक्शन में हमारे रेल को पुश करती है। ऑन अ पर्टिकुलर रेल द जॉइंट एक्शन बाय स्वेलर व्हील्स कॉजेस क्रीप, मतलब कि जैसे ये एक है ठीक है, कितने ट्रेन में कितने होते हैं देखो, पीछे बोगीज वगैरह होती है ठीक है, इतना हमारी ट्रेन इतनी ज्यादा होती है, कितने टायर होते होंगे 40-50 टायर तो एक बार भी होते होंगे, और दिन में कितनी ट्रेन जाती है फिर महीने में, तो बहुत ज्यादा क्रीप इस पे अकर हो सकता है। तो एज द व्हील्स मूव द लिफ्ट इन फ्रंट ऑफ द मूविंग लोड इज दस कैरिड फॉरवर्ड बाय द व्हील्स एंड कॉजेस क्रीप, ये मैंने आपको समझा दिया। वेयर एज द लिफ्ट एट द रियर ऑफ द व्हील्स गेट बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, तो वो ये कि जैसे जैसे आप ये आगे आगे जाते रहो, ये वाली तो नॉर्मल पोजीशन पे आती रहेगी लेकिन फिर भी एक उठती जाएगी, मतलब क्रीप तो आता रहेगा लेकिन एंड पे जाके जॉइंट पे जाके थोड़ा सा वो बढ़ जाता है। तो वो जॉइंट पे कौन सा बढ़ता है वो हम आगे देखते हैं। जॉइंट के लिए हमारा आता है परकशन थ्योरी। परकशन थ्योरी तो इसमें क्या, देखो दिस थ्योरी स्टेट्स दैट द क्रीप इज ड्यू टू इंपैक्ट ऑफ व्हील्स एट द रेल एंड अहेड एट जॉइंट, वही हो गया ना कि जॉइंट मतलब रेल एंड पे करेगा जॉइंट के अहेड, जैसे यहाँ पे अगर मैं इसकी आपको आगे दिखाऊंगा इफेक्ट्स ऑफ क्रीप में, जैसे अगर मैं आपको लेके चलूँ ये देखो ये जॉइंट है ना, तो ऐसे स्टिक हो गया या फिर ये खुल भी सकता है, खुलना मैंने आपको दिखा दिया था पिक्चर यहाँ पे, ये देखो ऐसे खुल गई थी, तो वो हमारा परकशन थ्योरी पे आता है ये। तो एट द रेल एंड द हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ पी, हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट हमारा पी ऑफ आर, मतलब कि जैसे ऐसे फोर्स लग रही है ठीक है, क्योंकि आगे जैसे आपने लॉन मूवर भी करा आएगा ना उसमें प्लस टू की फिजिक्स में, तो वैसा ही इसमें सेम आता है। देखो क्यू आर हमारी फोर्स लगती है, उसका जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है टेंस टू कॉज क्रीप व्हाइल द वर्टिकल कंपोनेंट क्यू टेंस टू बेंड डाउन द रेल एंड वर्टिकली, देखो जो हमारा पी कंपोनेंट हो जाएगा वो हमारा कॉज करता है क्रीप को, और जो हमारा क्यू कंपोनेंट होता है वो हमारा बेंड करता है रेल को ठीक है ना। तो इसमें ये लिखा हो डेट इज टू मेक अ बेटेड रेल एंड, बेटेड रेल एंड वही हो गया जैसे ये ऐसे को है अगर ये, तो ये रेल एंड है समझो, ये वाला रेल एंड है ये पूरा है ना, तो बैटेड कैसे हो जाएगा कुछ ऐसे को हो जाएगा, दब जाएगा आगे को ना, दब जाएगा ऐसे कुछ ठीक है ना, तो वो हमारा बैटेड रेल एंड हो जाता है। हेंस एज एंड व्हेन द व्हील्स लीव द ट्रेलिंग रेल एंड स्ट्राइक द फेसिंग रेल एंड एट ईच जॉइंट इट पुशेस द रेल फॉरवर्ड रिजल्टिंग इन क्रीप, इस पॉइंट का इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि जैसे ये वाला जैसे टायर यहाँ पे आता है ना तो ये हल्का सा स्टक करता है और ये आगे को पुश कर देता है, तो वो इसमें लिखा हुआ रिजल्टिंग इन क्रीप, तो वो भी एक तरह का क्रीप है। दो द क्रीप इज वेरी स्मॉल इन सिंगल इम्पैक्ट बट क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ व्हील्स इन क्विक सक्सेशन रिजल्ट्स इन सफिशिएंट क्रीप, मतलब कि एक ट्रेन से तो थोड़ा कम होगा, बहुत ही कम नेग्लिजिबल होगा, लेकिन अगर आप सोचो कि एक दिन में एक महीने में एक साल में कितनी आ रही है तो बहुत ही अच्छे से आपको फर्क देख सकते हैं क्रीप का। तो जो हमारी अगली थ्योरी है वो है ड्रैग और ड्रैगिंग थ्योरी, ये भी सेम वेव मोशन की तरह ही होता है जो वेव थ्योरी है हमारी, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क होता है। इट स्टेट्स दैट बैक विद थ्रस्ट ऑन ड्राइविंग व्हील ऑफ लोकोमोटिव ट्रेन हैज गॉट अ टेंडेंसी टू पुश द रेल ऑफ द ट्रैक बैकवर्ड व्हाइल द अदर व्हील्स ऑफ द लोकोमोटिव एंड द व्हीकल्स, जो कि हमारे व्हील्स ऑफ कोचेस एंड वैगन्स पुश द रेल इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल एक्सप्लेन्ड इन वेव एक्शन थ्योरी एंड दे हैव ग्रेटर इफेक्ट एज कम्पेयर टू ड्राइव इफेक्ट, मतलब कि इसमें यह बताया कि जो लोकोमोटिव का होता है ना वो तो चलो थोड़ा सा फर्क पड़ता ही है, लेकिन जो हमारे पीछे हमारी व्हीकल का पूरा होता है जैसे कि कोचेज और वेगन जो हमारे होते हैं पीछे ट्रेन के लिए, वो सबसे ज्यादा इफेक्ट पाते हैं ड्रैगिंग थ्योरी में, क्योंकि वो पूरे एकदम फटाफट चलते जाते हैं ना, तो वो थोड़ा सा इफेक्ट ज्यादा डालते हैं एज कम्पेयर टू ड्रैग इफेक्ट। दिस रिजल्ट्स इन क्रीप ऑफ व्हील्स इन डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ ट्रेन, तो वो ये है कि जिस मूवमेंट जिस डायरेक्शन में जैसे इस डायरेक्शन में जा रही है लिखा हुआ है, तो यहीं पे क्रीप ज्यादा आकर होगी आगे को ना कि पीछे को, पीछे वाला तो लिफ्ट आराम से नीचे हो जाएगा ना, ये अब आगे जाएगी तो नीचे हो जाएगा, तो वो सारे आगे को क्रीप होता जाएगा। और क्या फैक्टर्स है हमारे, कौन सी थ्योरीज आते हैं, देखो स्टार्टिंग एक्सेलरेटिंग स्लोइंग डाउन और स्टॉपिंग ऑफ अ ट्रेन, इसमें क्या है व्हेन अ ट्रेन इज स्टार्टिंग और एक्सेलरेटिंग द बैकवर्ड थ्रस्ट ऑफ द इंजन ड्राइविंग व्हील्स टेंड टू पुश द रेल बैकवर्ड, ये सबको पता है ये तो बहुत ईजी है। व्हेन इट इज स्लोइंग डाउन दैट इज डीएक्सेलरेटिंग और कमिंग टू स्टॉप द ब्रेकिंग इफेक्ट टेंड्स टू पुश द रेल फॉरवर्ड, वो ये कि अगर तो ट्रेन ब्रेक लगा रही है जैसे ये टायर अगर ब्रेक लगा रहा है तो ये ऐसे 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 को क्रीप हो जाएगा ठीक है ना, अगर ट्रेन शुरू होने वाली है तो ये पीछे को ऐसे को क्रीप हो जाएगा ठीक है ना, ये आप सबको पता है। एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन ऑफ रेल ड्यू टू टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर पे भी बहुत डिपेंड करता है क्रीप, तो क्रीप ऑल्सो अकर्स ड्यू टू वेरिएशन इन टेम्परेचर, द क्रीप इन दिस केस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द रेंज इन टेम्परेचर वेरिएशन लोकेशन ऑफ ट्रैक
वेदर एक्सपोज्ड और शेडी सराउंडिंग एक्सेट्रा। तो मतलब कि टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है क्रीप। तो टेम्परेचर वेरिएशन, जैसे कहीं ठंड ज़्यादा है तो उसमें एक्सपेंड ज़्यादा हो जाएगा, गर्मी है तो पिघल जाएगा थोड़ा, तो वो उस पर डिपेंड करता है। तो अगला, अनबैलेंस ट्रैफिक इन अ सिंगल लाइन सिस्टम इन हैवी इक्वल ट्रैफिक बोथ इन नंबर एंड लोड्स रन इन बोथ डायरेक्शन द क्रीप इज ऑलवेज बैलेंस। अदरवाइज हैवी ट्रैफिक इन वन डायरेक्शन विल कॉज क्रीप विच इज पार्टली बैलेंस बाय लाइट ट्रैफिक इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इसमें क्या होता है कि जो सिंगल लाइन सिस्टम होता है ना, सिंगल लाइन सिस्टम कैसे कि जस्ट एक ही रेल है, साथ में दो तीन नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि देखो अगर तो इस तरफ से भी आ रहा है और इस तरफ से भी आ रहा है ना, मतलब ट्रेन इस तरफ से भी जा रही है इस तरफ से भी जा रही है, ठीक है ना, तो वो बैलेंस कर देते हैं। लेकिन अगर एक तरफ से जाई जाए तो वो थोड़ा क्रीप अकर होगा, और जो कि हमारा वो रजिस्ट नहीं कर पाएगा जो कि हमारा उधर से आ रही है, अगर वो इक्वल वेट में नहीं है, थोड़ा लाइट ट्रैफिक है, वो इसमें लिखा हुआ है। अब इन द डबल लाइन सिस्टम ट्रेन ऑन पर्टिकुलर लाइन बीइंग अनडायरेक्शनल क्रीप अकर्स इन बोथ द लाइंस। तो वो तो है ही कि अगर जो डबल लाइन होता है हमारा, ऐसे डबल लाइन होता है, जैसे कहाँ दिखाऊं मैं, ये देखो ऐसे डबल लाइन होता है, तो एक तरफ जाती है एक तरफ से आती है, तो दोनों पे हमारा क्रीप अकर होगा। तो मैं जैसे कि आपको बताऊँ, ये क्रीप का जो थोड़ा सा टॉपिक शायद लंबा निकल जाए, लेकिन आप अच्छे से देखते रहना, और ये सारा डेटा मैंने भी अच्छे से बुक से उठाया है इंडियन ऑथर से, तो आप ये आंसर्स वगैरह में लिख सकते हैं, तो इसका कोई डर नहीं है कि आप आंसर में नहीं लिख सकते, और ये वीडियो को ज़रूर देखते रहना एंड तक, आपको क्रीप के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। अब थोड़े इफेक्ट्स पढ़ लेते हैं। द इफेक्ट्स ऑफ क्रीप आर स्वेलर एंड सीरियस टू, द मोस्ट सीरियस इफेक्ट बीइंग बकलिंग ऑफ द ट्रैक। ये मैंने आपको शुरू में बता दिया कि इफ अ बकल ट्रैक इज नॉट अटेंडेड अ प्रॉपर टाइम इट मे इजीली डिरेल अ ट्रेन एंड रिजल्ट इन सीरियस लॉसेस। द कॉमन इफेक्ट्स ऑफ क्रीप आर द फॉलोइंग। अब कॉमन इफेक्ट्स देख लेते हैं क्रीप के साथ। हमने ये तो पढ़ लिया कि क्रीप कैसे कॉज होता है ना, तो अब हम ये पढ़ेंगे कि इफेक्ट ऑफ क्रीप क्या, मतलब क्रीप अगर अकर हो जाता है तो क्या होता है। तो पहला पॉइंट है, देखो स्लीपर्स मूव आउट ऑफ स्क्वायर एंड आउट ऑफ पोजीशन। तो क्या होता है कि स्लीपर्स भी हिल जाते हैं, अगर क्रीप होता है तो स्लीपर्स का भी पोजीशन चेंज हो जाती है, तो उससे क्या होता है गेज एंड अलाइनमेंट ऑफ ट्रैक थोड़ी सी मूव हो जाती है, मतलब अनबैलेंस हो जाती है। एज स्लीपर मूव नेचुरली द सर्फिस ऑल्सो डिस्टर्ब एंड फाइनली रिजल्ट्स इन अनकम्फर्टेबल राइडिंग। तो अगर स्लीपर्स मूव हो गए तो सब कुछ बैलेंस बिगड़ जाएगा, तो अनकम्फर्टेबल राइडिंग होगी। अगला, रेल जॉइंट्स पर भी इफेक्ट करता है। देखो रेल जॉइंट्स आर ओपन आउट ऑफ देयर लिमिट इन सम केसेस, स्ट्रेसेस आर सेट अप इन फिश प्लेट्स एंड बोल्ट ड्यू टू विच द बोल्ट समटाइम्स ब्रेक। ये मैंने आपको पहले भी पिक्चर दिखा चुका हूँ मैं सबसे पहले वाली, तो उसमें मैंने दिखा दिया कि रेल जॉइंट पर भी कैसे फर्क पड़ता है और बोल्ट्स भी कैसे फर्क पड़ता है और ब्रेक हो जाते हैं। रेल्स आर ऑल्सो बेटेड एट एंड्स ड्यू टू एक्सेसिव गैप्स एट जॉइंट्स। ये मैं आपको समझा चुका हूँ। देखो ये वही सारा कुछ रिपीट ही होता है, पर फिर भी आपको देखना पड़ेगा। द पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स गेट डिस्टॉर्टेड एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रीप कीप देम करेक्ट गेज एंड अलाइनमेंट। पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग्स पे भी थोड़ा फर्क पड़ता है। द मूवमेंट ऑफ स्विचेस इज मेड डिफिकल्ट, इंटरलॉकिंग इज थ्रोन आउट ऑफ गियर। तो इसका क्या मतलब है, जैसे कि हमारा, जैसे आगे मैं दिखाता हूँ, जैसे कि ऐसे हमारी क्रॉसिंग है, तो अगर क्रीप अगर होता है ना तो यहाँ पे भी मुश्किल हो जाता है। और समझो अगर हमने ट्रेन, जैसे ऐसे होता है ना, अगर हमने ट्रेन का पटरी चेंज करनी है, डायरेक्शन चेंज करनी है, तो हमारे पास स्विच होता है, तो हम ट्रेन ऐसे बदल देते हैं ना इसको, नहीं तो ऐसे सीधे को होती है, नहीं तो ऐसे को हो जाती है, तो वो भी मुश्किल हो जाता है। किसकी वजह से, क्रीप की वजह से। वही लिखा होता है, मूवमेंट ऑफ स्विच इज मेड डिफिकल्ट, इंटरलॉकिंग इज थ्रोन आउट ऑफ गियर। अगला, इफ एनी रेल इज रिमूव फ्रॉम द ट्रैक फॉर एनी पर्पज इट बिकम डिफिकल्ट टू फिक्स इट अगेन एट प्रॉपर पोजिशन बिकॉज ऑफ द टाइम गैप बिकम टू शॉर्ट और टू लॉन्ग ड्यू टू क्रीप। तो इसमें वही बताया कि अगर हम कोई रेल को उठाते भी है तो वो गैप अच्छे से फिल नहीं हो पाता। बिसाइड दिस इफेक्ट, स्मैशिंग ऑफ फिश प्लेट्स एंड फिश बॉल्स, बेंडिंग ऑफ बार्स, किंग्स एट जॉइंट्स ऑफ रेल्स एंड फॉर्जिंग ऑफ ब्लास्ट एट आर कॉमन इफेक्ट्स ऑफ क्रीप। तो ये थोड़े से कॉमन इफेक्ट्स है, और जो मैंने आपको ये पढ़ाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स हैं जो क्रीप की वजह से अक्कर होते हैं। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, नॉर्मल ऐसे था लेकिन ऐसे जुड़ गया तो ये क्रीप हो गया, तो शायद इससे इनबैलेंस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे स्लीपर को भी डैमेज हुआ है। तो ये था हमारे इफेक्ट्स ऑफ क्रीप। अब थोड़ा प्रिवेंशन ऑफ क्रीप करते हैं कि क्रीप कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तीन ही है वैसे तो, जनरल तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो हमारे मोस्टली जो हमारे टेक्निकल है वो तीन ही होते हैं। तो पुलिंग बैक ऑफ रेल्स, प्रोविजन ऑफ एंकर्स और एंटी क्रीपर्स, यूज ऑफ स्टील स्लीपर्स। तो हम देखते हैं ये तीनों बारी बारी की क्या क्या चीज़ है। पुलिंग बैक ऑफ रेल्स, इफ क्रीप इज डिस्टिंक्टली विजिबल देयर रेमेडीज टू पुल बैक द रेल्स टू देयर ओरिजिनल पोजिशन। मतलब कि इसमें क्या होता है कि अगर क्रीप अकर हो गया तो उसको वापस पोजीशन पे ले आओ। फॉर डूइंग दिस द फर्स्ट इंस्पेक्ट द ट्रैक, नोट द एक्सटेंट ऑफ पुलिंग बैक डिस्टेंस एंड डिटरमाइन द पॉइंट फ्रॉम विच टू बिगिन। तो ये सारा हमें बताया हुआ कि प्रोसेस कैसे करनी होती है,
कि मतलब कि पहले इंस्पेक्ट करो सारा ट्रैक, फिर देखो कि कितने डिस्टेंस से पुल हुआ है, मतलब कि कितने डिस्टेंस से पुल हमें करना भी है, बैक डिस्टेंस करना है, और हमें कहाँ से शुरू करना है। नाउ स्टार्ट पुलिंग द रेल बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन बाय मींस ऑफ क्रोबार्स एंड हुक्स प्रोवाइडेड थ्रू द फिश बोर्ड्स होल्स ऑफ रेल्स। तो इसमें देखो मैंने इस डायग्राम में भी दिखाया हुआ है, मतलब इस पिक्चर में दिखाया हुआ है कि कैसे ये ऐसे इससे खींच देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा लूज करके ऐसे खींच देंगे रेल को तो पुल बैक हो जाएगा। लेकिन आजकल देखो ये तो इंडिया का होता है, ये भी शायद इंडिया में मुझे पूरा अच्छे से कंफर्म नहीं है, तो मशीन से पुल बैक वगैरह करते हैं। देखो यहाँ पे देखो कितना बड़ा है, देखो थोड़ा सा क्लियर नहीं है, मैं थोड़ा सा अगर ये पेंसिल चला दूँ तो आपको शायद ना दिखे। तो ये देखो ये कितना बड़ा गैप है, तो पुल बैक करेगा अब यहाँ से, थ्रस्ट पूरा फोर्स से करेगा बैक, पूरा हमारा क्रेन वाला टाइप सा है ये, पूरा मशीन से पूरा फोर्स लगेगी तो ये पुल बैक हो जाएगा। तो ये चीज़ है हमारी जो सबसे पहले प्रिवेंशन ऑफ क्रीप है। पुलिंग बैक ऑफ द रेल इज वेरी स्लो एंड टेडियस प्रोसेस, इज ओनली पॉसिबल व्हेन अ स्मॉल लेंथ इज टू बी डेल्ट। इट हैज मोरओवर बीन नोटेड दैट रेल स्टार्ट क्रीपिंग आफ्टर पुलिंग बैक। इसमें एक बताया कि पुलिंग बैक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, और ये भी बताया कि क्रीप दोबारा से अकर होना बड़ी जल्दी शुरू हो जाता है अगर हम वापस पुल करते हैं तो। तो मतलब कि ये वाला आप कमी मोस्टली कम यूज होता है। दूसरा आ गया हमारा प्रोविजन ऑफ एंकर्स और एंटी क्रीपर्स। अब ये क्या चीज होती है, ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने वाला है। द क्रीप ऑफ ट्रैक कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूज ऑफ एंकर्स एंड सफिशिएंट क्रीप ब्लास्ट। ये क्या होता है एंकर्स वगैरह, ये देखो ये एंकर्स वगैरह ये चीज होती है, पूरा अच्छे से रेल को जो जोड़ के रखते हैं स्लीपर साथ, ये देखो ये एंकर्स होते हैं, ठीक है ना। फॉर क्रीप ऑफ 7.5 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर इन अ मंथ ऑफ 4 एंकर्स पर रेल, एंड फॉर क्रीप ऑफ 22.5 सेंटीमीटर टू 25 सेंटीमीटर 6 एंकर्स पर रेल आर यूज्ड इन द इंडियन प्रैक्टिस। तो मतलब इंडियन प्रैक्टिस में बताया कि अगर तो आपका जो क्रीप है इसमें लाए करता है इन अ मंथ, ठीक है, एक महीने में अगर आपका क्रीप 7.5 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर पर लाए करता है तो हमें 4 एंकर्स पर रेल देने हैं, ठीक है ना, 4 एंकर्स पर रेल। और अगर हम आपका क्रीप 22 सेंटीमीटर से लेकर 25 सेंटीमीटर कुछ करता है तो 6 एंकर्स देने हैं हमें पर रेल, ठीक है ना, ये हमारा इंडियन प्रैक्टिस पे है। अब एंकर्स आर फास्टेंड टू द फुट ऑफ रेल एंड केप्ट इन परफेक्ट कॉन्टैक्ट विद द साइड ऑफ द स्लीपर बीइंग द साइड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ क्रीप। तो वही है कि ये सारा अच्छे से ऐसे एंकर दे देते हैं। अगर तो आपको अलग से एंकर, ये भी एंकर है वैसे, तो ये एंटी क्रीपर बोल देते हैं हम इसे, एंकर ये चीज हो जाती है। इफ क्रीप अकर्स इन बोथ डायरेक्शंस एंटी क्रीपर्स आर प्रोवाइडेड इन बोथ द साइड्स ऑफ द स्लीपर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रेल एंड शुड नेवर बी फिक्स्ड नियर द जॉइंट्स। तो इसमें बताया कि अगर क्रीप अकर दोनों डायरेक्शंस में होता है तो हमें एंटी क्रीपर्स लगाने पड़ते हैं ये चीज। और इनमें क्या चीज होती है कि हमें फिक्स नियर द जॉइंट्स कभी नहीं करना है, जॉइंट्स से हमेशा दूर रखने हैं। तो ये था हमारा प्रोविजन ऑफ एंकर्स और एंटी क्रीपर्स। एंकर्स आप देख चुके हैं कि मतलब ये स्लीपर्स से अच्छे से जोड़ देते हैं रेल को और क्रीप नहीं होने देता। नेक्स्ट हमारा यूज ऑफ स्टील स्लीपर्स, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो स्लीपर्स पे एक वीडियो पूरी मैं दोबारा एक टॉपिक अच्छे से समझाऊंगा, स्लीपर्स हमारे बहुत बड़ा टॉपिक है, 3-4 वीडियो इस पे स्लीपर्स भी बन जाएगी, टाइप्स बड़े बड़े टाइप्स है इसके, जैसे कि टिम्बर है, स्टील आ गया जैसे एक, है ना, वुडन आ जाएगा, कंक्रीट आ जाएगा, ये सारे अलग अलग टाइप्स है। तो इस पे अलग अलग सी वीडियो बनेगी, और आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको जल्दी से जल्दी आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप जरूर इस चैनल सिविल इनसाइट को जरूर सब्सक्राइब करें। तो हमारा आता है स्लीपर शुड बी ऑफ सच अ टाइप एंड विद सच फिटिंग दैट दे इफेक्टिवली प्रिवेंट द रेल फ्रॉम क्रीपिंग ऑन देम। मतलब स्लीपर्स एक ऐसी चीज है जो क्रीप को रोक सकती है। कैसे रोक सकती है, क्योंकि वो अच्छे से कॉन्टेक्ट में रखे। तो समझो ये ऐसे एक रेल है, अब ये ऐसे पूरा हमने स्लीपर बिछा दिया, एक ये एक ये एक ये, अगर तो क्रीप को अगर होना है इनमें तो ये रेल स्लीपर थोड़े क्रैक करेंगे, थोड़ा हिलेंगे, तो अगर नहीं होंगे तो क्रीप भी अगर नहीं होगा। सेकेंडली द स्लीपर्स मस्ट हैव अ गुड ग्रिप विद द ब्लास्ट टू रेजिस्ट द मूवमेंट ऑफ द स्लीपर्स इन द ब्लास्ट। तो वो ये कि स्लीपर्स की हमारे ब्लास्ट के साथ, ब्लास्ट क्या होता है, जो पत्थर से नहीं पड़े होते बीच में ट्रैक पर साइड में बीच में, वो उसे ब्लास्ट कहते हैं। तो उसके साथ भी अच्छी सी हमारी वो होनी चाहिए, ग्रिप होनी चाहिए। तो स्टील ट्रफ स्लीपर्स आर द बेस्ट फॉर दिस पर्पस। तो मतलब स्टील स्लीपर्स परफेक्ट है ये यूज करने के लिए। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्लीपर्स विल देयरफॉर हेल्प इन द प्रिवेंशन ऑफ क्रीप। तो मतलब देखो ये एंकर्स के साथ लगे हुए हैं, ये वाले स्टील स्लीपर्स है सारे, तो नंबर ऑफ स्टील स्लीपर्स तो बहुत जरूरी है कि अगर ज्यादा होंगे तो उतना हमें फायदा होगा। तो देखो ये तो अल्टरनेट एंकर्स इस पे लगाए हुए हैं, यहाँ पे भी अल्टरनेट इस स्लीपर से एंकर सिर्फ इस पे लगा हुआ है, लेकिन बाकी ये सारे एंकर्स साथ है। तो कुछ इस वे में हम यूज ऑफ स्टील स्लीपर्स कर सकते हैं। तो ये था हमारे कुछ 3 प्रिवेंशन ऑफ क्रीप इफेक्ट्स हमने पढ़ लिए, ठीक है ना, हमने थ्योरीज वगैरह पढ़ ली सारी, और हमारे इंडिकेशन पढ़ लिया, और हमारा क्रीप ऑफ रेल क्या होता है वो पढ़ लिया।
तो ये आज का हमारा टॉपिक यहीं पे पूरा खत्म होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना, और प्लीज़ इस मैं पूरी एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ रेलवे इंजीनियरिंग पे, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू।